गुरुत्वपूर्ण खबर पिपिली उपनिर्वाचन पूर्व बड़ अघटनार खबर विस्फोरण में उड़ीगला बड़ंगा थाना विलंबित रातिर घटी बड़ अघटन विस्फोरण में थरी उठी समग्र अंचल भयंकर विस्फोरण में बड़ंगा थानार छात उड़ी जा थानार कांथ भुशुड़ी पड़ी एथस थानार समस्त आसबपत्र कागजपत्र आदि सबू नष्ट तेब बड़ दुर्घटन अल्पके बर्ती जाती थाना ड्यूटी कर्मचारी कहु थाना रखा जबत बाण और बोमा फुटे विस्फोरण हो विस्फोरण तीव्रता एत अधिक बड़ंगा थाना पूरा माटी में मिशि जाती खबर पाई विलंबित रात में पूरी एसपी के विशाल सिंह घटनास्थल में पहुंची स्थिति अनुधान कर एसडीपीओ समेत बहु वरिष्ठ थाना अधिकारी घटनास्थल में पहुंची स्थिति अनुधान कर विस्फोरण को नहीं स्थानीय अंचल लोके भयभीत हो पड़ते पिपिली उपनिर्वाचन को आउ मात्र दुई दिन थिबा बेले थाना विस्फोरण को नहीं स्थानीय अंचल आतंक खेली जा विलंबित रात्रि घटी बड़ अघटन पिपिली उपनिर्वाचन पूर्व बड़ अघटन खबर विस्फोरण में थरी उठी समग्र अंचल भयंकर विस्फोरण में बड़ंगा थानार छात उड़ी जा थानार कांथ भुशुड़ी पड़ी थाना समस्त आसबपत्र कागजपत्र आदि सबू नष्ट तेब बड़ दुर्घटन अल्पके बर्ती जाती थाना ड्यूटी कर्मचारी एक्सक्लूसिव विजुअल न्यूज एट नोडिया आपण मैंने देखुं केते भयंकर थिला से विस्फोरण विस्फोरण मात्रा केते अधिक थिला दृश्य देखिए आपण मैंने सहजरे अनुमान करिपारुथिबे किंतु केउं परिस्थितिरे विस्फोरण घटिला केउं परिस्थितिरे थाना मालखाना रखा जाइथिला जबत होइथिबा पाण एवं बोमा ताहा तदंत सापेक्ष परवर्त समय जिते फोरेंसिक टीम आसवे कि साइंटिफिक टीम आसवे से ही घटना स्पष्ट हो पार क्यों परिस्थितिरे भयंकर विस्फोरण घटिला जेहेतु गत काली थिला पिपिली उपनिर्वाचन प्रचार शेष दिन तीन प्रमुख दलों मध्य जोरदार लड़ई को नजर रखी कौन प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति जमी न उपजे थानार समस्त कर्मचारी निर्वाचन ड्यूटी थे तेणु कौन प्रकार सेमती मृताहत खबर आसीना किंतु जदि सेमती किसी सूचना सामना को आसी था तेल हुए तो आशंका एड़ाई दि जा नपे एमती एक एत बड़ विस्फोरण होने के अधिक आलोचना करवा सीधासख जा सीनियर करेस्पंडेंट अक्षय कुमार मिश्र निकट को अक्षय भयंकर थिला से विस्फोरण दृश्य देखी स्पष्ट भाव अनुमान करी वर्तमान स्थिति कौन निश्चित पक्षे जदि आम कह कि बड़ंगा थाना अच्छा तार दृश्य मुझे देखा चाहिए आप दृश्य स्पष्ट करुच्ची कि केते जोरे विस्फोरण हो देखिपे कि संपूर्ण भाव थाना सबू अंश पूरा भांगी जांथ भुशुड़ी जाते मात्र विस्फोरण हो संपूर्ण मात्र थाना पूरा छिंचत्र हो पड़ी और देखिपे तार सीधासख दृश्य एवं खाली से नुहे आप देखुए ये हूँ मालखाना थानार मालखाना दृश्य देखिपे संपूर्ण भाव में जेहेतु थानार एभली विस्फोरण हो थाना मालखाना भितर तेणु जहाँ आकलन करा कि गोटे बड़ धरणर एक्सप्लोजन हो संपूर्ण भाव थानार स्थित बिगड़ जा दृश्य आप सीधा सख देखिपे अंपटे जदि कह देखिपे कि ये मालखाना परिसर में जहाँ जबत जिनस ये रखा जाए और एखुए कि डिफ्रिजर रखा जा विभिन्न प्रकार सरंजाम रही किभली भाव में विस्फोरण है ता सबुठ बड़ प्रश्न हो देखिपे थाना जो इनवर्टर लगी बैटेरी लगी संपूर्ण भाव नष्ट संपूर्ण यही जो विस्फोरण मात्रा जहाँ स्पष्ट करुच्ची निहाती कौन से एक बड़ धरणर एक्सप्लोजन हो कि गोटे जिनस रही देखिपे और यही स्पष्ट अनुमान करेंगे जो भाव में थानार प्रति कांथ देखुए जो फाटी एवं संपूर्ण भाव अनेक जहाँ जिनस रखा ताध्वंस विश्वस्त हो स्पष्ट हो पार्टी कि बड़ धरणर एटी विस्फोरण हो तार कारण एजाव जना पड़े ना सकाल कि फोरेन्सिक टीम आसिक अनुधान कर बम डिस्पोजाल जो टीम अच्छी से अनुधान करतरकू जावाक साइंटिफिक टीम आवश्यकता अच्छी कारण से देखिकी स्पष्ट करें गत काली कह विलंबित रात्रि पूरी एसपी आसी स्थितर अनुधान करते भरको कहीं जावाक साहस करना काले आहरी किए काले किसी विस्फोरक थी तेणु किभली भाव में ये विस्फोरक गुड़िक थाना परिसर में रखा जाता सब गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि अंपटे देखिपे कि यही विस्फोरण मात्रा एत मात्र रही कि आप देखु थाना
खाली पछपट पाचेरी नुहे एवं पानी टाकी सहित आपन देखुथिबे कि थानार जो बीम रही ता भांगी जाइछे फैन गुड़िकर स्थिति देखुथिबे फैन ही भांगी जाइछे हेले सौभाग्यवशत एठी जो सेंट्री थिले से सेंट्री बंची जाइछंती एवं से जेहेतु निर्वाचन प्रचार बे समस्त जाइथिले एवं सेंट्री मध्ये जो थिले से एठु बंची जाइछंती अन्यपर जदि कहबा तबे विस्फोट को नैकि मध्ये स्थानीय बासिंदा के मध्ये मध्ये बेस भय संचार हेछि पचरा केते बले विस्फोट हेला एवं किभुनि भाबले आपन देखिले से विस्फोट 12টা 10 5 10 ভিতরে বিস্ফোরণ ঘটিল সম্পূর্ণ এরিয়া থরে উঠিছিল কারণ এ যে ব্যক্তির তো ফাটিছে এ পূর্ব যে জব্দ হইছিল এ পূর্বতন ওয়াইসি যে ছিল সুমনন্দন পাইকরে সে বহুত বাণ ফাণ জব্দ করেছিলে বহুত বম বম রাখিছিলে যা ফলে ব্যক্তিটি আর ইয়ে ব্রস্ট হয়ে গেল যা ফলে ছাত বি উড়ি গেল इत्ते जोर विस्फोट आम साधारण कह इत्ते जिनस कौन थी बड़ एक्सप्लोजन जो इत्ते थाना निश्चित बम थिला कि बाण फाण थिला जो आम पूर्वतन ओआईसी आम सुमीरंद्र पाइकरा जो सब जबत करते खानखेली खानखेली सब जिनपत रखी थे जहाँ फल एत बड़ घटना घटला बेला भल सब गाड़ी पेट्रोलिंग जाते ओआईसी विलंबित रात जेहतु पिपिल भाई इलेक्शन ओआईसी पेट्रोलिंग थाना केवल जन स्टाफ थे जीवन विकल से दौड़ी पलि आसते अन्य सब स्टाफ सब गाड़ी पेट्रोलिंग जहाँ फल जीवन किसी रक्षा पाई बड़ विपद रू मुक्ति पाईला गोटे बड़ विपद रू मुक्ति पाईला और देखिपे कि सीधा सख जेहेतु निर्वाचन संपूर्ण भाव पुलिस नियोजित थे कौन सी अधिकारी नए केवल जड़े सेंट्रिंग रही थे ड्यूटी एम देखिपे कि ये हूँ थाना परिसर दृश्य संपूर्ण भाव ध्वस्त विध्वस्त हो पारे और सकाल बम डिस्पोजल स्क्वाड आसिक अनुधान कर देखी अन्य स्थान देखीछे सेमती अपहंच इलाका देखीछे सेमती गोटे घटना बड़ंगा थाना एवं पुरी में प्रथम बोली आपण कहते घटना सामना को आसवा पर स्थानीय लोक मैंने भयभीत होगा स्वाभाविक कथा जेहेतु गोटे पटे पिपिली उपनिर्वाचन समय पाखे आसला प्रचार शेष दिन थिला तो किसी भी आशंका करा जाई पारे जेहेतु तदंत होना बर्तमान निश्चित पक्ष देखु जदि जो भी भाव में माओ इलाक जो विस्फोट होता है थाना उड़ जाए पूरी पूरी जिले में बोधे ये हूँ प्रथम घटना जोटी गोटे थाना विस्फोरण संपूर्ण ध्वस्त हो जाए कि स्पष्ट अनुमान कर विस्फोट कारण कौन ता सब गोटे बड़ प्रश्न कारण एत मात्र विस्फोट आप देखिपे कि विस्फोरण यह तदंत सापेक्ष निश्चित भाव में क्यों परिस्थिति विस्फोरण घटला ताहा तदंत परे ही स्पष्ट हो पारिब धन्यवाद अक्षय सविशेष आलोचना पई राति 12টা 5 रु 12টা 10 भितर जो भाई भाव में विस्फोरण होता आम भयभीत हो जाइल तापर इटे आस देख जानवाक पाइल जे बैटेरी आ कि फुटवा भाई जिनस जो थे कि विस्फोरण होकर आग को तदंत हेल्ले जमापड़ कौन कमी नई जमापड़ आम तो रात अवस्था अनुमान करा कर 12টা गोटे रात गोटे साउंड जो एत जो साउंड आम कहल घड़ी घड़ी चटेरी मारा कि जना पड़ना बोलते बर्षा है आम भाविल गोटे घड़ी सका उठिक न्यूज देख ला बेलू बड़ा थाना को शुणा बमिंग होती आम खबर न्यूज जानलु न्यूज जाणला पर थाना जेहेतु थाना पाखे अच्छा थाना पाक आस देख ला बेलू जे सब घर फर जे एक टाइप अघटन हवा असंभव कथ परवर्ती खबर को आसिबा मयूरभंज जिला करंजिया ट्रेजरी ऑफिस रे अग्निकाण्ड अग्निशम विभाग कर्मचारी माने निया को आयत्त करबा को उद्यम चलाई सूचना अनुसार शॉर्ट सर्किट रु निया लागिथिबा जणा पडिछि ट्रेजरी ऑफिस करंजिया ट्रेजरी ऑफिस रे अग्निकाण्ड रो खबर आसुछि मयूरभंज जिला करंजिया ट्रेजरी ऑफिस रे अग्निकाण्ड होइछि अग्निशम विभाग कर्मचारी माने निया को आयत्त करबा को उद्यम करुछन्ति सूचना अनुसार शॉर्ट सर्किट रु निया लागिथिबा जणा पडिछि निया को आयत्त को आणवाई वर्तमान उद्यम करुछन्ति अग्निशम विभाग कर्मचारी माने मयूरभंज जिला करंजिया ट्रेजरी ऑफिस रे अग्निकाण्डर खबर आसी शॉर्ट सर्किट रु निया लागिथिबा जणा पडिछि तेबे अग्निशम विभाग कर्मचारी माने निया को आयत्त करबा को उद्यम चलाइछन्ति मयूरभंज जिला करंजिया ट्रेजरी ऑफिस रे अग्निकाण्डर खबर एवं वर्तमान शॉर्ट सर्किट रु अग्निकाण्ड घटिथिबा सूचना मिलिछि
तेज अग्निशम विभाग कर्मचारी माने निया को आयत्त करने को उद्यम जोरसोर कर अधिक आलोचना करने मयूरभंज प्रतिनिधि रवींद्र नायक अच्छा समस्त फोन लाइन में रवींद्र क्यों परिस्थिति में निया लगे और बर्तमान निया को कंट्रोल को अणगला कि जहाँ जमापड़ी निहाँ को आयत कराई कि जहाँ प्राथमिक सूचना जमापड़ी सर्ट सर्किट जो निहाँ लगी सूचना मिली तेज निहाँ लगुवा बेले जहाँ कि लोक सेपटे मर्णिंग वार्क करते देखा पाई संगे संगे स्थानीय लोक मध्यम अग्निशम विभाग को खबर देते अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने घटनास्थल पहुंचते कहीपर पखापाखि एक घंटार ऊर्ध समय से निया लिभा चेष्टा करते जो कंप्यूटर रही अफिश्रे गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र रही पोड़ी कंप्यूटर पोड़ी तेज केते परिमाण क्षति होती पर मुहूर्त जना पड़ो तेज कौ कारण निया लगला ता स्पष्ट नहोता बेले तेज जहां प्राथमिक सूचना रही शॉर्ट सर्किट जो निया लगी किए अधिकारी पहुंचले से स्थान तदारख करे कि क्षय क्षति नहीं कि आकलन करने निश्चित रूप जहाँ से रही प्रशासनिक अधिकारी आसुच्चा सूचना मिली तेज तहसीलदार खबर पाई तेज से प्रतिक्रिया मिलवा पर विभाग अधिकारी मानक जना पड़ो के कि गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थी कि पड़ी कि कौ परिमाण सामान था पड़ी स्पष्ट हम के अग्निकाण्ड घटला से नहीं किसी सूचना मिलूच कि देखु जत भरे धुआ मानने बाहर को बाहर किसी लोक जाना पाई तेज क्यों समय निया लगी केत लगता स्पष्ट होना कि लोक जिते से अंचल देखी मर्णिंग वार्क करते से देखा पाई निया जलुची और संगे संगे स्थानीय लोक मध्यम अग्निशम विभाग को खबर देते निहाती धन्यवाद रवींद्र सविशेष आलोचना मयूरभंज जिला करंजिया ट्रेजरी ऑफिस अग्निकाण्डर खबर और अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने वर्तमान निया को आयत्त करते तेज सर्ट सर्किट रु निया लगी कहु पुणे फेरवा से ही गुरुत्वपूर्ण खबर को पिपिली उपनिर्वाचन को आम दुईटा दिन बाकी अच्छे किंतु ता पूर्व बड़ंगा थाना रे एमिति एक विस्फोरण खबर स्थानीय अंचल रे लोकों को अधिक भयभीत कर पकाई विस्फोरण रे बड़ंगा थाना उड़ी जा छात उड़ी जा कांथ पड़ जाइए और बहु परिमाण क्षय क्षति हो दृश्य आपण मैंने स्पष्ट भाव में देखिए अनुमान करेंगे पुणे थर जा प्रतिनिधि अक्षय मिश्र निकट को अक्षय वर्तमान अधिकारी मैंने पहुंचले कि तदारख पाई निश्चित बंधुता आम देखा कि बर्तमान बम स्क्वाड पहुंचिकी बर्तमान अनुधान आरंभ कर देखिपे कि बड़ंगा थाना दृश्य जोटि की बम स्क्वाड पक्षर संपूर्ण भाव जांच मेटाल डिटेक्टर होदेह से अनुधान कर ग्राउंड डिटेक्टर हो देखुं आप देखिपे कि दृश्य और डग स्क्वाड रही जांच कर न्यूज 18 मध्यम सीधा सख दृश्य देखु एक्सक्लूसीव विजुअल स्वतंत्र भाव में ये जांच प्रक्रिया आरंभ हो सारी कारण जो भाव में भयानक विस्फोरण तार कारण कौन किभली तार अनुधान एवं बम स्क्वाड पर पुणी फोरे साइंटिफिक टीम आम जांच करेंगे और देखिपे तार सीधा सख दृश्य कि डग स्क्वाड और बम स्क्वाड उभय मिलित भाव में ये जांच प्रक्रिया आरंभ कर मोटामोटी भाव में जदि कह तेज विस्फोरण मात्रा एत रही कि संपूर्ण भाव थाना ही नष्ट हो थाना घर भांगी जा थाना ध्वस्त विध्वस्त हो पड़ी एवं संपूर्ण भाव में से विभिन्न प्रकार जंत्रांश आंच कर जो थे कि ग्राउंड रिश देखिए सहित जो जिनस गुड़ाक ध्वस्त विध्वस्त हो पड़ी ता भितर आउ किसी एक्सप्लोसीव रही थी पारे कि तार अनुधान कर विशेष भाव देखिपे तार सीधा सख दृश्य एवं संपूर्ण भाव में तन तन कर सब जिनस जांच कर स्पष्ट अनुमान कर प्रशासन पक्षर यह गुरुत्व नि जा पुरी जिले में यह प्रथम घटना घटी जो भाव में जांच व्यवस्था कर देखिपे तार सीधा सख दृश्य कि निश्चित भाव थाना कौन सी अधिकारी नथिले जदि पिपिली निर्वाचन को नहीं समस्त अधिकारी मैंने जाते तेनाली थाना गोटे सेंट्री जगी थे कि देखिपे कि जदि थाना कार्य चलु था तेज निहाती भाव केत बड़ अघटन होता यूर स्पष्ट अनुमान कराऊ कारण थाना जब भाव में भुशुड़ी पड़ी तेणु विपदपूर्ण अवस्था रही से गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने बाहर रही फटो उत्तोलन करते कारण भितर अत्यंत संकटापन्न स्थित और विपदपूर्ण
ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିକି ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାଳେ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଥାଇପାରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ତା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାକର୍ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହେଉ ଯେମିତି ମାଲଖାନ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଫାଟିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ କେଉଁ ସକାଶେ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କାରଣ କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି ଏବଂ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଥିରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଥାନାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ପୂର୍ବ ଯିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ନିୟମ ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଜିନିଷ ଜବତ ହୁଏ ବମ୍ ଜବତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ରିକ୍ୱିଜନ୍ ମିଳିବା ପରେ ଡିଫ୍ୟୁଜାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ବମ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜାଲ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏହା ରଖାଯାଇଥିଲା ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଥାଇପାରେ ବା ମେଟାଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଥାଇପାରେ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଥାନା ପରିସରରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ବାକି ରହିଲା 30 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଗତକାଲି ପ୍ରଚାର ସରିଛି ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ତା ପୁଣି ଥାନା ପରିସରରେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଥାନା ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ହେଉଛି ଥାନାର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନର କାଲି ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ କେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କୌଣସି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତା'ର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆପଣ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ଆସୁନ ଏଇଠି ଆସ ଘର ପାଖରେ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ ତାପରେ ଗଲୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସେପଟୁ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ କି ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାନାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥାନା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଏଇଠି କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମିତି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଢେ ଗୋଟେ ରାତିରେ କେମିତି ମାନେ କରିଯାଇଥିବ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବଧୁଆ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଛାତିରେ ଛନକା ଆଣିଦେଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଥାନାର ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବା ଥାନାର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଏସ୍ଡିପି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଘଟଣାର ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଘଟଣା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଞ୍ଝାରେ 3 ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଆଜି ଭୋର 3 ସମୟରେ ଏହି 3 ଲୁଟେରା ପୋଲିସ 3 ଲୁଟେରା ହାତରେ ପିସ୍ତଲ ଧରି ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ରାସ୍ତାରେ ଲୁଟ୍ପାଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଖବର ପାଇ ସହିଦନଗର ଥାନାର 34 ପିସିଆର୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଲୁଟେରାମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ହେଲେ ପିସିଆର୍ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହି 3 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି
अधिक आलोचना करिबा करेस्पोंडेंट दीपक सामल अछि नमस्त फोन लाइन ने दीपक वर्तमान गोटे बड़ अघटन किंबा कहि पारिबा गोटे लूटपाट उद्यम को फेल करि पारे सक्षम होइ जाइछन्ति कमिश्नरेट पुलिस रो कर्मचारी माने केमिति कोन पूरा घटना थिला कमिश्नर पुलिस पक्ष स्पेशल ड्राइव आरंभ होईछि एभलि क्षेत्र रे गतकाली विलंबित राति रे सत्संग विहार निकट रे तीन जन दुर्बृत्त लुट करिया पाई योजना करथिले खबर पाइथिला कमिश्नर पुलिस एवं पीसीआर सेमानको पिछा करथिला एवं उभय तीन जन बाइक रे फेरार होता बेले पीसीआर सेमानको काबू करछि सेमानक पाखरे एक बंधुक जबत होईछि ता सहित सेमानकर पूर्व क्राइम रेकर्ड मध्ये तनाघना कराउछि विशेष करी पार्वण पूर्वरु किभळी भाबरे अपराधीको काबू करा दिबो पार्वण पूर्वरु अपराध किभळी भाबरे 110 बुक करा दिबो सेतिपाई तालिका प्रस्तुत करछि कमिशनर पुलिस जो माने हार्डकोर अपराधी किंवा जो माने दीर्घ दिन धरी अपराध रे संपृक्त छथि सेमानकर तालिका प्रस्तुत करैछि ओ जो माने योजना उद्यम किंवा लुट योजना करछथि किंवा किसी क्राइम रे लिप्त छथि सेमानकु टार्गेट कराउछि एवं सेमाने जेउठे छथि सेमानक उपरे पुलिस फोकस करछि समान ढंगरे गतकाली पुलिस जेतेबेले खबर पाइला जे तीन जन हार्डकोर क्रिमिनाल एक योजना करछथि डकाय योजना करछथि तो सेमानकु धरिया पई पुलिस तार जाल बिछैथिला एवं पुलिस देखि सेमाने फेरार होता बेले पुलिस सेमानकु काबू करथिला एवं समान पाखु जो बंधुक जबत होइछि से बंधुक सेमाने केउठु आइले किंवा ए लोकल मैन ना फॉरेन मैन ताकु नै मध्ये पुलिस एबे तदंत करुछि जदिओ तीन अपराधीकर पूर्व अपराधीक रेकर्ड ए पर्यंत स्पष्ट होइनि तथापि पुलिस आशा रखिछि सेमानकु अधिकरु अधिक पचराउचरा कले सेमानक पूर्व रेकर्ड सामनाक आसिब निहाती पचराउचरा अधिक कले रेकर्ड सामनाक आसिब एवं निहाती भाबरे पीसीआर कर्मचारी माने वर्तमान जबत करिबारे तीन लुटरा को काबू करिछन्ति एवं गोटे पिस्तल एवं बाइक मध्य जबत करिछन्ति पार्वण पूर्व जो स्पेशल ड्राइव करा जाइछि कमिश्नरेट पुलिस तरफरु सेही अंतर्गत ही जेतेबेले लूट पाई प्रस्तुत होथिले लुटरा माने सेमानकु गिरफ करा जाइछि धन्यवाद दीपक सविशेष आलोचना पाई संबलपुरर इष्टदेवी माँ समलेश्वरी मंदिर में षोडश पूजा पई चली व्यापक प्रस्तुति आसंताकालीठारु माँकर षोडश पूजा आरंभ हेब महालयारे माँ समलेश्वरी धवलमुखी बेशरे भक्तंको दर्शन देबे माँको ठारे प्रतिदिन विशेष पूजा पई चली विशेष प्रस्तुति आसंताकालीठारु माँकर षोडश पूजा आरंभ हेब एवं महालयारे माँ समलेश्वरी धवलमुखी बेशरे भक्तंको दर्शन देबे एथिपई विशेष प्रस्तुति करा जाउछि माँ समलेश्वरी मंदिर में षोडश पूजा पई व्यापक प्रस्तुति करा जायछि आसंता कालीठारु माँकर षोडश पूजा आरंभ हेबाकु जाउछि एवं महालयारे धवलमुखी बेशरे दर्शन देबे माँ समलेश्वरी किपरि भक्त माने संपूर्ण कोविड कटकणारे माँकर दर्शन करिपारिबे एवं प्रस्तुति कौन केमिति रहिछि ता उपर विशेष फोकस करा जायछि विशेष नजर रखा जायछि षोडश पूजा पई समलेश्वरी मंदिर रे माँकर विशेष प्रस्तुति आरंभ होइ सारिछि आसंता कालीठारु आरंभ हेबो माँकर षोडश पूजा महालयारे माँ समलेश्वरी धवलमुखी बेशरे भक्तंको दर्शन देबे एवं भक्त माने किपरि व्यवस्थित ढंग रे माँकर दर्शन करिपारिबे विशेष व्यवस्था कौन करा जाउछि मंदिर तरफ रो कर्मचारी गत केमिति सेठारे सुरक्षा व्यवस्था करा जिवो से नेकि मध्य विशेष नजर रखा जाइछि एनेकि अधिक आलोचना करिबा सदा सड़क जिवा प्रतिनिधि त्रिविक्रम प्रधान करि कटको त्रिविक्रम जेहेतु माँकर षोडश पूजा आरंभ हेबाकु जाउछि विशेष प्रस्तुति कौन केमिति देखो वंदिता सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इष्टदेवी माँ समलेश्वरी मंदिर ध्वजा मुझे प्रथम देखा चाहिए नई जो ये नड़िया समस्त दर्शक माँ का प्रतीक ध्वजा को प्रथम दर्शन करने कैमेरा पर्सन को अनुरोध कर देखा तेज सीधा साल आम प्रतिक्रिया ना पूजक प्रतिक्रिया ना और पूर्व भक्त जन श्रद्धा दर्शन कर आसिकाश माँ का भक्त प्रतिदिन दर्शन करने आसती दूर दूरातर आसी माँ का तो विशेष रीतनीति पूजा अर्चना हो षोडश उपचार पूजा भी आरंभ हो किंतु टाइमिंग को नहीं पचार भक्त मैंने किसी फेरी जाऊँगी आज्ञा आस बहुत दर्श छत्तीसगढ़ है आपणकर आगर आस
ସେମାନେ ସବୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, 11:30 ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନୀତିନୀତି, ତାପରେ ଯାଇକି 3:00 ଖୋଲୁଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଯଦି କିଛି କମେଇକିରି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତେ। ଆଉ 7:30 ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା, ସେଇଟା ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ 8:30-9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସମୟ ରହିଛି ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ମାଆଙ୍କର 16 ଉପଚାର ପୂଜା କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ, ମାଆଙ୍କର ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ, କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, କାଲି 29 ତାରିଖ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପୂଜା ବୋଲୁଛୁଁ, ସେ ଦୁଧିବାହନ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କାଲିଠାନୁ ଆମର 16 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ନେଟୱର୍କ ଏଇଟି ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନେଟୱର୍କ ଏଇଟି ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7।